जैसे कि मेरे प्रेसिडेंट साहब ने मेरे कहा, आपको सारा विस्तार से इन्होंने बताया। मैं जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हरदीप सिंह, पेशे से मैं कोविड वॉरियर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। इन्होंने आपको सारी बात बता दी कि यूएसएफ ये जो हमने कैसे फॉर्म किया, क्या हुआ, लेकिन इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है कि मुस्लिम है, सिख छ, हिंद छ। तो जो भी हमें लगता है कि हमें अप्रोच करता है, हम उसके लिए हमेशा मदद पर रहते हैं। आज ही नहीं कि कोविड में ही, उसके पहले भी हम लोग रहते हैं। ये भाईचारा है यहाँ कश्मीर में मुस्लिमों का, सिखों का, हिंदुओं का, तब जाके ये सारा काम हो रहा है। और जैसे कि इन्होंने बोला कि हम डॉक्टर्स को सल्यूट करते हैं, जैसे हम देखें कि मॉर्टलिटी रेट जो है बाकी इलाकों में से, जम्मू के इलाके से यहाँ कम है। ठीक है, मैं मनमीत सिंह, प्रेसिडेंट यूनाइटेड सिख फोरम। हमारा जो यूनाइटेड सिख फोरम है, ये हम इसमें 13-14 बंदे हैं, जो सिंस लॉकडाउन जो 25 मार्च 2020 से शुरू हुआ था, ये यूनाइटेड सिख फोरम उससे पहले भी एक काम कर रहा था सोशल सर्विस में, मगर जो ही कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें इंसान को अपना जो काम करने के जो तरीके होते हैं या किसी के किसके ऊपर काम करना, वो टोटली उसका पैराडाइम उसी साइड से हो जाता है। तो जब ये पैंडमिक हुआ तो हम लोगों ने देखा कि एक महीने के बाद लोगों की जो जिनकी सैलरीज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 मार्च को या 2 मार्च को, तो उनकी सैलरीज आ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने अप्रोच किया, भाई हम लोगों को सैलरी एक्सपेक्टेड थी वो आई नहीं। तो हमने क्या किया यूनाइटेड सिख फोरम ने, कि हमने और जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो डोनर्स हैं, हम उन्होंने डोनेशन दे करके हम लोगों ने उनको जो राशन, ड्राई राशन है वो प्रोवाइड किया। बट इन द मीन टाइम क्या हुआ कि हम लोगों ने बाहर जो दिल्ली में जो पेंडेमिक था उसने जब अपना बुरी शक्ल अख्तियार कर ली, तो वहाँ पे डेड बॉडीज़ की हमने जो वीडियोस देखनी शुरू कर दी, हम तो बहुत परेशान हो गए। तो फिर उस वक्त हम लोगों ने एक मीटिंग की कि भाई अगर ऐसा एपिसोड हमारे कश्मीर में होता है तो हमें क्या करना है। तो इन द मीन टाइम हमारे रिलीजियस प्रीचर थे भाई निर्मल सिंह, जो पद्मश्री थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको जब क्रिमेशन करना था, तो उनका मैं कहूँगा कि उस वक्त जिस तरीके से उनको विदाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो हमने उस चीज़ को रोकने के लिए हमने कहा भाई कश्मीर में हमें आगे आना है और इस ये चीज़ यहाँ ना हो तो हमें आगे बढ़कर ये काम करना पड़ा। तो अभी तक 2020 से लेकर के अभी 25 मार्च से लेकर के जो भी कोविड की वजह से डेथ्स हुई हैं, ये टोटल 68 हुई हैं श्रीनगर में, जिनको यूनाइटेड सिख फोरम ने क्रीमेट किया। यूनाइटेड सिख फोरम ने क्रीमेशन के बिना और भी सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं जो दे रहे थे, जैसे जो घर पॉजिटिव आ जाता था और जब वो निगेटिव दोबारा आते थे हम उनको सैनिटाइज करते थे, उनके घरों में पहले मेडिसिन पहुँचानी, इवन जो हमें सब्जियाँ बोलते थे पहुँचाने के लिए, नो डाउट दो पे करते थे सब्जियों के लिए, हम उनके घर में पहुँचाते थे। हमने उनको जो भी सर्विस उन्होंने डिमांड करी हमने पहुँचाई, जो कि हमारी मॉरल और रिलीजियस ड्यूटी भी है। तो वो करते करते हम लोग इस वक्त तक जो भी हमारे साथ एक एक बंदे जुड़ते गए, ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये भूपेंद्र सिंह जी हैं, ये हरमीत सिंह हैं, ये सतनाम जी हैं, सुखप्रीता हमारे साथ, हर एक जो भी यूनाइटेड सिख फोरम का वॉलंटियर है वो पूरी हद तक अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करके जितने भी हम लोग अपनी तरफ से सेवा दे सकते हैं हम देते रहेंगे और देंगे भी। तो इसका इससे साफ नज़र आता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि जो कश्मीर के डॉक्टर हैं वो अपनी जान पर खेल के लोगों को बचा रहे हैं। तो हमारा यही मैसेज है सारी आवाम से कि हमने देखा कि जो भी हमारी यंग जनरेशन इस वक्त गुजर रही है, उनका यही एक हमने देखा कि वो घर में अपनी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। जब उनके तकरीबन 50-60% इन्वॉल्व हो जाता है, सैचुरेशन गिरती है, फिर वो अप्रोच करते हैं हॉस्पिटल्स को। तो हमारी रिक्वेस्ट है आवाम से यही हाथ जोड़ के, सिख कोविड-19 वॉलेंटियर से, यूएसएफ की टीम है, जीवन ज्योत सोसाइटी है, जीपीसी बड़गाम से, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और आवाम से हम दुआ करते हैं कि जो भी, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सरदार हो, जो इस पेंडेमिक में अपनी जान पर खेल के लोगों को बचा, उनके लिए आप मस्जिद शरीफों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में उनके लिए दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और हम इस पेंडेमिक नजात से मुक्ति पा सके। ठीक है।